बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ I4U के मोबाइल इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो सूद के बगैर किस्तों के ऊपर मोबाइल हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल महंगे और सस्ते दिखाने वाला हूँ, जिनको आप महाना किस्तों के ऊपर हासिल कर सकते हैं। महाना किस्त यानी कि 2000, 1500, 3000, 4000 तक है। आप महंगे से महंगा मोबाइल भी हासिल कर सकते हैं और सस्ते से सस्ता मोबाइल भी आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप सोनी का मोबाइल लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल सकता है, अगर आप वीवो का मोबाइल लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, अगर आप हवावे का मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको किस्तों के ऊपर मिल सकता है, अगर आप ओप्पो कंपनी का मोबाइल लेना चाहते हैं तो वो भी आपको किस्तों के ऊपर मिल सकता है, अगर आप सैमसंग कंपनी का मोबाइल किस्तों के ऊपर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, अगर आप शियोमी कंपनी का मोबाइल किस्तों के ऊपर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। मल्टीपल ऑप्शन दोस्तों आपके पास मौजूद है। तमाम बड़ी कंपनीज के मोबाइल जो है ये किस्तों के ऊपर आपको दे रहे हैं, वो भी सूद के बगैर ओरिजिनल कीमत के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने एक फतवा नकल किया है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस फतवे को जो है इरशाद अहमद इजाज एक मुफ्ती साहब हैं, 19 जुलाई 2014 को इन्होंने ये फतवा दिया था। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इनकी तमाम जो चीजें हैं वो सूद से बालातर हैं, इस्लामी तरीके के मुताबिक हैं। तो अगर आप इस्लामी तरीके के मुताबिक मोबाइल को किस्तों के ऊपर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे मैंने जैसा कि आपको बता दिया है मुख्तलिफ कंपनी के मोबाइल हैं जो कि आप किस्तों के ऊपर ले सकते हैं। लेने का तरीका कार क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक मोबाइल है वीवो का, अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं तो इसकी महाना किस्त है 4200 रुपया। इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जी, ये जो मोबाइल है इसका मॉडल आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है और कितनी जीबी का मोबाइल है वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये वीवो का मोबाइल है Y53S, 8 जीबी से लेकर 128 जीबी तक इसकी रैम है, ठीक है। ये स्टॉक में अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। टोटल कीमत इसकी 50,400 रुपया है, एडवांस आपने कुछ भी पे नहीं करना, ठीक है। इसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी 4,200 रुपया होगी, 12 महीनों की इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है आपको ये मोबाइल मिल सकता है, यानी एक साल की किस्तों के ऊपर आपको मोबाइल ये मिल सकता है। जस्ट आपने दोस्तों जो है अपना नाम लिखवाना है इस कंपनी के पास, इस ऑफिस में जाके, और उसके बाद जो है आपको ये मोबाइल दे दिया जाएगा। यहाँ पे जी इन्होंने कहा है इस मोबाइल के अंदर कितनी स्पेसिफिकेशन है वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने दे दी हैं आपको, और यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपने सैलरी के ऊपर क्लिक करना है, अगर आप बिजनेसमैन है तो आप बिजनेस पर्सन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। पहले मैं सैलरी पर्सन की तफसीलात आपको बता देता हूं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद ये फॉर्म है, आपने इसको पूर करना है ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही आपने इसको सबमिट करना होगा। यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है, इसके बाद अपना नाम यहाँ पे आपने लिखना है, इसके बाद आपको मोबाइल फोन नंबर क्या है, ठीक है। इसके बाद जी आपका शहर कौन सा है, इसके बाद आप यहाँ पे तो ये पूछ रहे हैं जी आप फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, सपोज क्या है, ठीक है। इसके बाद आप पूरा फॉर्म पूरा करेंगे और यहाँ पे एग्री के ऊपर आपने क्लिक करना है और प्लेस योर ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी इनके पास आपके, इसके बाद ये आपको कॉल करेंगे और मजीद तफसीलात से आपको तलब किया जाएगा, जो जो चीजें इनको चाहिए होंगी, ठीक है, ये आपको बता देंगे। इनका जो भी तरीकाकार होता है डिलीवरी का, कि मोबाइल आप तक कितने दिनों में पहुंच जाएगा और कैसे पहुंचेगा, ये सारी तफसीलात आप इनके साथ जो है डिस्कशन कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, मैंने आपको एक मिसाल दी है कि इस तरीके के साथ आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी कंपनी के मोबाइल दिखाता हूं। इसके बाद ये हवावे का मोबाइल है, इसकी महाना किस्त भी 4200 रुपया। ये ओप्पो का मोबाइल है, इसकी महाना किस्त 6200 रुपया। इसके बाद ये टेक्नो कंपनी का मोबाइल है, इसकी महाना किस्त जी 3100 रुपया, ठीक है। इसके बाद सैमसंग कंपनी का ये मोबाइल है जी, इसकी कीमत है जी 2300 महाना किस्त है इसकी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ है, अगर आप सस्ते से सस्ता मोबाइल लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, अगर आप महंगे से महंगा मोबाइल लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। जस्ट आपने महाना किस्त अदा करनी है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है मोबाइल हर मोबाइल की किस्त जो है वो अलग अलग है, किसी की महाना किस्त 2000 है, किसी की 2300 है, किसी की 4000 है,
ठीक है, ये डिपेंड करता है आप कौन सा मोबाइल ले रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये एलसीडीज हैं, अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं तो आप इनको भी बाय कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल के लिए, अगर आप मोबाइल किस्तों के ऊपर लेना चाहते हैं तो उसकी तफसीलात अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ एक और मोबाइल की थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ जो कि आप बाय करना चाहेंगे। यहाँ पे जी ये सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल है, मैंने इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वही तरीकाकार है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसकी आ चुकी है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, आप सैलरी पर्सन है या बिजनेसमैन है, क्योंकि अगर आप कारोबारी हैं बिजनेसमैन है तब भी आप किस्तों के ऊपर मोबाइल ले सकते हैं। अगर आप तनख्वाहदार तबके से हैं, आप सैलरी पर्सन है, तब भी आप मोबाइल ले सकते हैं। तो सिंपल, आपने अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद वही फार्म है जो पहले मैंने आपको दिखाया था, ये फार्म आप पूर करें। पूर करने के बाद जो है आपने इसको सबमिट कर देना है, यहाँ प्लेस योर ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। इसके बाद ये आपसे रब्ता करेंगे और मजीद तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ लग चुकी है। अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लिया करें, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे दिया करूंगा, अगर ज़्यादातर लोग एक ही सवाल करेंगे तो। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर इनका व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इसके ऊपर इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, स्काइप के ऊपर आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे इनका फ़ोन नंबर भी है जी, यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसका कराची का मुकम्मल एड्रेस भी इन्होंने अपना दिया हुआ है, दो फ़ोन नंबर हैं, आप इनमें से जिस के ऊपर चाहे आप इनके साथ राबिता कर सकते हैं। इजीली आप व्हाट्सएप के ऊपर इनको कॉल करें तो ये आपकी कॉल उठा लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप इनके साथ राबिता कर सकते हैं। तो ये सूद के बगैर आपको मोबाइल दिया जा रहा है, महाना किस्तों के ऊपर आप मोबाइल हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनी के मोबाइल हैं, जैसे कि मैंने दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप शिओमी कंपनी का मोबाइल लेना चाहते हैं जो कि आजकल पॉपुलर है, आप इसको हासिल कर सकते हैं। अगर आप वीवो कंपनी का मोबाइल लेना चाहते हैं तो वो भी आपको किस्तों के ऊपर मिल सकता है। अगर आप सैमसंग कंपनी का मोबाइल लेना चाहते हैं तो वो भी आपको किस्तों के ऊपर मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आप टेक्नो कंपनी का मोबाइल लेना चाहते हैं किस्तों के ऊपर तो वो भी आपको मिल सकता है। अगर आप ओप्पो कंपनी का मोबाइल लेना चाहते हैं किस्तों के ऊपर तो वो भी आपको मिल सकता है। अगर आप हवावे कंपनी का मोबाइल लेना चाहते हैं किस्तों के ऊपर तो वो भी आपको मिल सकता है। अगर आप सोनी एरिक्सन का मोबाइल जो है किस्तों के ऊपर लेना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल सकता है। ठीक है, बाकी डिटेल आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आकर चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दे दूंगा, आप वो लिंक ओपन करें, यहाँ आके तमाम तर तफसीलात को आप खुद भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस तरह के मजीद अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।